Optimal software release problem. We've taken an overview of this issue, but now we want to go in depth about this problem. Okay, optimal software release ka issue ek traditional company ko kya ho sakta? Problem is jagah pe aa raha hai ki software aajkal bahut complex hai. Let's suppose we want to make a game. अगर 3D ग्राफिक्स वाली गेम है वो किस वक्त इस काबिल होगी कि वो रिलीज कर दी जाए. अगर देर से रिलीज की तो वो आउटडेट हो चुकी होगी, मे बी कि उससे बेहतर गेम्स आ चुकी हैं और मार्केट में लोग को कैप्चर ही ना करें. अगर जल्दी रिलीज कर दी तो उसके बग्स इतने ज्यादा होंगे कि लोग उसको यूज करना वैसे ही छोड़ देंगे. सो सारी एफर्ट दोनों केस में आपकी जाया चली गई. सो इट्स नेसेसरी कि आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको क्वालिटी, कॉस्ट और रिलीज टाइम तीनों को मॉनिटर करे और ऑप्टिमल जो है उनको टाइम पे यूटिलाइज करे. नाउ जब आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट फेज क्या होता है कि आपने डिटेक्ट करना और फिक्स करना सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स जो भी ह्यूमन वर्क ने कर दी है या प्रायर टू इट्स रिलीज जो कि ऑपरेशनल यूज से है. अब सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स जो है ना वो कई दफे ऐसे होते हैं अक्सर डिटेक्ट ही नहीं होती और वो फिक्स होती नहीं जब तक कि एक्चुअली आप यूज करें. और अगर सॉफ्टवेयर फेलियर ऑपरेशनल फेज में आता है तो कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली वर्क हो जाता है. इसका मतलब है सीरियस डैमेज टू द रेपुटेशन. जैसे कि देखें अगर आप ऐसी तमाम एप्स हैं जो कि आप यूज करते हैं लेकिन वो एरर देना शुरू कर देती है या क्रैश कर जाती है, देन यू स्टॉप यूजिंग इट. So such kind of apps, when people wonder why did these people design this app, they went through all that effort and now their app crashes just for no reason. So agar duration jo hai na software testing ki bahut zyada long hai aur usme hum software faults kam kar sakte hain aur reliability increase ho jati hai, lekin iska matlab hai ki aapka software release bhi nahi hua, cost bhi nahi hui aur software delivery nahi hui. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को छोड़ देते हैं तो वो बगी सॉफ्टवेयर होता है लो रिलायबिलिटी का और वो हम दे देते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है फिर वो लंबी हो जाती है. यानी उसको संभालने के लिए, उसके बग्स रिमूव करने के लिए, अगर तो ऐप है तो फिर तो अलग बात है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आपने क्लाइंट के लिए बनाया देन वो आप उसको मेंटेन करते रहेंगे. जाहिर है आपने कोई गारंटी दी होगी कि इतने 6 महीने साल तक हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में कि अगर ऑप्टिमल लेंथ हम फिगर आउट कर सकें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की और रिलीज करें, इसे कहते हैं ऑप्टिमल सॉफ्टवेयर रिलीज प्रॉब्लम. और अगर ये हम प्रॉपरली मैनेज कर लें तो ये डिसीजंस हमारे लिए आसान हो जाती हैं. ये पिछले कई डेकेड से इन प्रॉब्लम को लिया जा रहा है और इसमें बहुत प्रेजेंट वैल्यू भी देखनी होती है और एक वारंटी भी देखनी होती है कि कितने अरसे तक लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक होगा.